नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा आलीपुर खेड़ा में लोगों को चिकन पॉक्स की चपेट में आ जाने के बाद जिला अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने जांच के बाद मरीजों को दवाई वितरित की। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। आपके बच्चे के दाग कब से हैं? ये 2-4 दिन से हैं। टीकाकरण नहीं कराया था? लगा तो टीका नहीं। और डॉक्टर अभी लोग आए थे, वो क्या बता गए? इन्हें बताई, दवा दे गई थी डॉक्टर वगैरह। अच्छा, बताए कहाँ गई? बिजली बताई उन्होंने। ठीक, बच्चों के ये दाग कब से हैं? 30 तारीख से। ये डॉक्टरों ने बताया टीकाकरण नहीं हुआ? हाँ, टीकाकरण हुआ था। पहले टीकाकरण हुआ? वो अभी मैनपुरी की टीम आई, उन्होंने क्या बताया? बता रही चिकन पॉक्स बता रही। दवाई वगैरह दी? दवाई दी। ठीक डॉक्टर साहब, ये आलीपुर खेड़ा में जो चेचक की बीमारी फैली है, क्या है ये? चिकन पॉक्स है। अच्छा, इन्होंने बच्चों को कहीं से इन्फेक्शन लगा होगा, स्कूल से या पास पड़ोस कहीं से भी कोई बच्चा बाहर से आया हो उसकी वजह से? नहीं, तो सुल्तानगंज की टीम आई थी, उन्होंने बताया था कि ये खसरा नहीं है और न चिकन पॉक्स है, ये गंदगी कार्ड हुआ है, इनके टीकाकरण नहीं हुआ है, इस कार्ड हुआ है। तो टीकाकरण तो बच्चों का हुआ है जी। तो ये तो उनका आकलन है, क्या है क्या नहीं, तो आपने क्या इसमें डिस्कस किया? नहीं, इनको देखने में तो ये चिकन पॉक्स ही लगते हैं। चिकन पॉक्स का कोई वैक्सीनेशन होता नहीं है। दवाई वगैरह दी आपकी टीम ने? दवा दी। ठीक है।